My friends bought me this cake. 60s inspired toaster. This one I like. मैं शंकर लेके आई 9 रुपए में. कारपेंट का काम आप लोग देख सकते हो कर रहे हैं उन लोग. अब 3 डिग्री काम आ रही है ब्रो. मेरा राउटर गिर गया. Came to Zara. ऐसा लगा लूट मचे यहाँ पे. कुछ भी कैसे भी कपड़े पड़े. I know ये मेरे बजट की काफी बाहर है. मैं लिटरली रो दी उसको पैसे देने के बाद. एक्सपेंसिव तो है लिविंग इन मुंबई. तुम बैठ के रहेंगे दुख क्यों खत्म नहीं होता. गुड मॉर्निंग. अभी मैं किचन में हूँ. तो मैंने ना बनाना लीव से फिल्टर कॉफी, दिस इज विदाउट शुगर, और मसाला डोसा मंगाया है. दैट इज माय ब्रेकफास्ट फॉर टुडे. सो बेसिकली खाने पीने का ऐसा है कि मैं अभी तो ऑर्डर कर रही हूँ क्योंकि गैस नहीं है, चूल्हा नहीं है, और इस सोसाइटी में जो गैस कनेक्शन है ना वो 3-4 महीने बाद आएगा. सो लेट्स टेक अ सिप बिकॉज मैंने कल से कॉफी नहीं पी है प्रॉपर. इट्स नाइस. प्रॉब्लम स्टीगे लगेगा थोड़ा सा. तो आज का सबसे पहला मेन टास्क ये है कि गेटिंग वाईफाई कनेक्शन डन इन दिस हाउस, क्योंकि मैं वीडियोस कैसे अपलोड करूंगी और रील्स कैसे स्क्रॉल करूंगी. सो मैं नीचे सोसाइटी में सिक्योरिटी गार्ड को नंबर लेके आई थी कि अगर कोई इंटरनेट कनेक्शन वाला आए या फिर दूध वाला, पेपर वाला, चाय वाला, जो भी है आए तो उसको मेरा नंबर फॉरवर्ड कर देना. सो मैं और सुप्रिया लगाने वाले जियो फाइबर कनेक्शन. सो देर आर कपल ऑफ डिफरेंट प्लान्स. मैंने लिया है 799 वाला प्लान. इसमें मुझे मिल जाएगा 100 Mbps स्पीड, अनलिमिटेड इंटरनेट. एंड मैंने 3 मंथ का एडवांस प्लान लिया है. ऑलरेडी पेमेंट मैंने कर दिया है. द अमाउंट दैट आई पेड फॉर दिस वाज 2474 समथिंग. खर्चे तो आप समझ रहे हो ना, इतने खर्चे होने वाले इस वीडियो में कि क्या बताऊं मैं. वो मेन बेडरूम है, ठीक है, वो मेरा रूम है, ये सुप्रिया का रूम है, और वहाँ पे लग रहा है वाईफाई कनेक्शन, इंटरनेट कनेक्शन. जियो वाले आ चुके हैं अपना पूरा सामान लेके. This is the fiber line. 12 seconds later. मेरा राउटर गिर गया वहाँ पे, वो लगा के गए थे. तो ये जियो की जो पॉलिथीन लगी थी ना इसके ऊपर, वो मैं निकाल रही थी एंड ये गिर गया. नीचे उसका रेसिड्यू पड़ा हुआ है. तो वापस कॉल करके मैंने बुलाया कि प्लीज कम बैक, इसको फिक्स करो. व्हाट इज दिस. तो अभी वो लोग आ रहे हैं इसको फिक्स करने के लिए. Later. The next day. अभी मैं होम सेंटर जा रही हूँ. यहाँ से मुझे कुछ 20 मिनट लगेगा. ऑटो से जाऊंगी मैं. मुझे थोड़े बहुत ऐसे घर के सामान लेने जो अर्जेंट वाले हैं. बेडशीट, पिलो कवर, पिलो, ये सब नहीं है मेरे पास. आई ऑल्सो वॉन्ट टू विजिट रिलायंस डिजिटल, क्योंकि AC तो एक लेना पड़ेगा एंड एक फ्रिज. तो लेट्स गो वाई ऑटो. मैं रिलायंस डिजिटल आ चुकी हूँ. आई एम लुकिंग एट द AC. मैंने सस्ते वाले भी देखे, ठीक है. सबसे सस्ता दे हैव दिस वन, 33,990 रुपीज़ का. बट इसका जो आउटडोर यूनिट है ना, इट्स नॉट ऑफ गुड क्वालिटी. आई एम प्लानिंग टू गेट दिस AC फॉर द हॉल एंड फॉर द बेडरूम. दिस इज़ द प्राइस फॉर दिस आफ्टर डिस्काउंट एंड एवरीथिंग. 1.5 टन का है ये. इसका आउटडोर इंडोर यूनिट बहुत अच्छा है. 5 ईयर की वारंटी है इसमें एंड 10 ईयर की भी वारंटी फॉर द कंप्रेसर. आई नो ये मेरे बजट की काफ़ी बाहर है. 30,000 का बजट लेके मैं आई थी. बट आई रियली लाइक द फीचर ऑफ दिस, एवरीथिंग अबाउट दिस. बट आई सीरियसली डोंट वांट टू कॉम्प्रोमाइज ऑन द क्वालिटी, इसलिए मैं वही वाला AC ले रही हूँ. अभी मैं फ्रिज देखने जा रही हूँ. ये देखो, ये भी मेरे बजट के बाहर जा रहा है सब कुछ. 20,000 में बजट लेके आई थी फ्रिज के लिए. दिस इज़ नाइस. जो भुवनेश्वर में फ्रिज खरीदा था ना मैंने पापा मम्मी के लिए, तब मैंने ये वाला देखा था बट लिया नहीं क्योंकि छोटा लग रहा था मुझे. बट मेरे लिए और सुप्रिया के लिए तो सही है यार, दो लोग का हम लोग. रेफ्रिजरेटर भी सिलेक्ट कर लिया मैंने. आई एम लुकिंग फॉर गैस स्टोव नाउ. गैस स्टोव भी इतने महंगे आते बताओ. ये वाला 749 सबसे सस्ता. कौन सा? वही वाला 3-4-5. दिस इज सबसे सस्ता रिलायंस में, ठीक है. इसमें 2 मीडियम बर्नर है और 1 स्मॉल है. और आई गेस मेरे घर पे भी ऐसी सिमिलर वाला ही है. ओके, रिलायंस डिजिटल की शॉपिंग हो चुकी है. 1 लाख से ऊपर का खर्चा मेरा हो चुका है. घर जाके एक्सप्लेन करूँगी कि मैंने क्या क्या लिया और क्या क्या कितने का पड़ा मुझे. अभी मैं होम सेंटर आई हुई हूँ. घर के कुछ ज़रूरी सामान जैसे कुशन नहीं है मेरे पास. 2 दिन से एकदम प्लेन गद्दे पे सो रही थी तो वो मुझे लेना है. एक एक्स्ट्रा बेडशीट लेना है मुझे. थोड़े बहुत ऐसे क्रॉकरी के सामान ले लेती हूँ मैं. अभी बज रहे 9:40. बहुत टाइम लगे रिलायंस डिजिटल में. लेट्स स्टार्ट शॉपिंग. वहाँ का होम सेंटर इज सो प्रिटी, सो बिग. लुक एट एवरीथिंग. बस बच बच के चलो, कुछ टूटा तो मुझे पे करना पड़ेगा. ये 99 का मिल रहा है, ले लूँ. ये लेती हूँ. ये थोड़े प्राइसी हैं, सस्ते वाले दिखाओ. और इसे सस्ता चाहिए, लेकिन क्वीन नहीं साइज चाहिए, किंग साइज चाहिए कि क्वीन? नहीं, क्वीन साइज. ये नहीं, किंग ही है सब. कितने का? 1, 2? हाँ, 1124 रुपये. 1124.
यही है बस या ये भी है? ये 1500 का आएंगे, 1499 के। तो इतने ही है बस? हाँ इतने ही। और ये नीचे वाले? नीचे वाले वो किंग साइज है। ये क्यों इतना प्राइस है, क्यों हो तुम भाई क्यों? आई एम बैक फ्रॉम दी मॉल रिलायंस डिजिटल और होम सेंटर ही जा पाई मैं आज, काफी समय लग गया। लेट्स डू अ क्विक हॉल ऑफ ऑल द थिंग्स दैट आई कुड कैरी वहां से, एंड वी विल आल्सो टॉक अबाउट मनी की कितना पैसा कहाँ खर्च हुआ है मेरा। सो दिस इज लंबा चौड़ा बिल रिलायंस डिजिटल का। सो मेजर मेजर सामान जो मुझे लेना था दैट वाज 2 AC 1 फ्रिज, इसका मैंने बजट खुद के लिए रखा था वाज 70 to 90K के बीच में आ जाना चाहिए। सस्ते से सस्ता सामान मैं खरीदना चाहती थी, बट अच्छा भी चाहती थी मैं। बट जब मैं रिलायंस डिजिटल पहुंची, मैंने बहुत टाइम स्पेंड किया एंड और जो वहाँ के सेल्समैन थे उन्होंने मुझे हर एक एसी के बारे में, जो मेरे बजट में भी था उस एसी के बारे में भी काफी कुछ डिटेल समझाई। सो मैंने कभी जोड़ा घटाया गुणाकार किया भागाकार करके मुझे ये समझ में आया कि आई नीड टू हाइक अप थोड़ा सा एसी के बजट का अमाउंट। सो दैट इज व्हाट आई डिड। सो बेसिकली मैंने 2 AC लिए, एक मेन बेडरूम के लिए और एक हॉल के लिए। 1.5 टन का AC दैट इज बाय पैनासोनिक, वो मुझे 39,490 rupees का पड़ा। वो अभी नहीं आएगा, प्रॉब्ली कल या परसों डिलीवर होगा। वो फ्रिज लिया, डबल डोर वाला फ्रिज, इससे सस्ता फ्रिज भी था उनके पास बट आई रियली लाइक दिस वन, 39,490 rupees का वो मुझे पड़ा। सो दीज आर द मेन इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम दैट आई गॉट। वॉशिंग मशीन मैंने अभी नहीं लिया, डिच कर दिया बिकॉज आई वाज लाइक ठीक है देखते हैं, मतलब अभी तो मैं हाथ से कपड़े धो सकते इट्स फाइन, बट जब ज्यादा काम आ जाएगा मुझे करने को तो हो सकता है वॉशिंग मशीन तब मुझे लेना पड़े, या फिर मैं उसे रेंट भी कर सकती। बाय द वे ये जो एसी और फ्रिज है ये आप रेंट भी कर सकते हो मुंबई में, काफी सारे वेबसाइट्स भी हैं, मैं कुछ लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आई ऑल्सो बॉट दिस BPL का 60s इंस्पायर्ड टोस्टर, प्रॉब्ली दिस इज अ रैंडम बाय, मुझे कुछ ऑफर मिल रहा था वहाँ पे तो आई गॉट इट। क्या ऑफर देख के लड़कियाँ तो पिघल ही जाती हैं, लड़के भी पिघल जाते हैं ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। सो फ्रिकिंग क्यूट, आई कैन हैव टोस्ट एवरी डे, टोस्ट एंड एग नाउ, इसके साथ ऐसा ढक्कन भी आता है ताकि कॉकरोचेस वगैरह इसमें ना घुस जाए। आई ऑल्सो बॉट हैवल्स का ब्लो ड्रायर 1600 वॉट का, मैं अपना ब्लो ड्रायर घर पर छोड़ के आई थी, सो आई वॉज इन नीड ऑफ वन। आई लाइक द फैक्ट दैट हाउ हल्का दिस इज एंड दिस इज ट्रैवल फ्रेंडली, ऐसे बेंड हो जाता है। नाउ कम्स होम सेंटर, सबसे पहले मैंने लिए 2 very soft fluffy cushions. I mean, आप लोग कह सकते हो this is an emergency buy. मैं पिछले 2 दिनों से बिना cushion के सो रही थी, जो टाल नहीं होता उसको लपेट लपेट के उसको cushion बना के सो रही थी, but that was still hard for me. So I got 1 and 2 fluffy pillow. Pillows में invest करने के लिए मैं definitely ready थी, क्योंकि मुझे पता है कि मैं pillow को बार बार तो नहीं खरीदूंगी। Bed mattress pillow की तरह बहुत important होते हैं आपके गुड स्लीप के लिए। नॉर्मली ऐसे 500 के अंदर मिल जाते हैं पिलो अच्छे खासे, बट दिस इज 1299 का पिलो ठीक है। मुझे पता है बजट बजट बोल के मैंने थोड़े खर्चे कर लिए यार। इन माय डिफेंस मुझे ये सब कुछ बेनिफिट भी मिल रहे हैं, प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट डस्ट माइट्स, प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट बैक्टीरिया, प्रिवेंट्स रेस्पिरेटरी ट्रैक एलर्जीज। मैंने ऑल्सो बॉट 1 बेडशीट, मैं घर से एक ही बेडशीट लेके आई थी और वो मैंने ना 3 दिन में ही गंदा भी कर दिया है। सो बेडशीट धो के सुखाना मुझे पड़ेगा कल या परसों में। एंड आई रियली लाइक दिस वन, उनके पास ज़्यादा कलेक्शन नहीं था, सबसे सस्ता जो था ना वो यही वाला था, दिस इज द ब्रांड और ये कुछ ऐसा दिखेगा बेडशीट। लास्टली आई बॉट कप्स, 99 rupees का एक कप है, सबसे सस्ता यही कप था उनके पास ठीक है। होम सेंटर ना मुझे थोड़ा प्राइस ही लगा, आई मीन आई डोंट नो कि वहाँ पे एकदम सस्ता और सबसे अच्छा सामान क्या होता है। आई स्टिल नीड टू लाइक एक्सप्लोर होम सेंटर प्रॉपरली, बट एकदम लूट तो मची हुई है वहाँ पे भी। 2 days later, my nashta is here, bread omelette and it is raining like crazy since morning. Guys, मेरा एसी और मेरा फ्रिज आ गया, वो लेके आ रहे हैं। That's my refrigerator. That's my stove. 2 AC. Boxes गीले तो नहीं हो गए ना, बहुत बारिश हो रही थी आज। आज मैंने ज्यादा कुछ किया नहीं सिवाय इस नए बेडशीट के बिछाने। अभी रात के 10 बज रहे हैं और मैं जा रही हूँ सारा के घर। आई नो लेट है बट इट्स ओके यार, मुंबई में लेट जैसा कुछ नहीं होता, स्पेशली दोस्तों के घर जाने का। मैंने सुना कि सारा पिलाटिस करते करते इंजर्ड हो गई, बट थैंक गॉड वो सीरियस नहीं है ज्यादा, तो वो आ नहीं सकती, तो अब मैं जा रही हूँ उसके पास। हाय बेबी, तुम्हारा पीठ कैसा? ओह नहीं, प्यार से हग, प्यार से। और जाएगी पिलाटिस और करेगी? क्या गिरी हूँ मैं अभी तक फैदम नहीं कर पा रही मैं क्या गिरी कि मेरे को अब तक दुख रहा है। बेस्ट थिंग इज दैट कि तू खुद का इलाज कर सकती है थैंक्स टू योर डिग्री। अब तेरी डिग्री काम आ रही है ब्रो। डायग्नोसिस करने ट्रीटमेंट के लिए वेंट टू माय फिजियोथेरेपिस्ट एंड लाइक प्लीज ठीक है आई कांट आई वांट टू फिक्स माय बैक शाली प्लीज एक्सप्लेन विद योर ब्रिलियंट ब्रेन माय ब्रेन हैज लेफ्ट द चैट।
Paju, give me content. Sibha, wow. घर आ गई मैं, फज्जू को देख के ना लियो की याद आ गई तो थोड़ा सा रोना आ गया था मुझे. सारा वाज लाइक, हैं क्या हो गया इसको. The next day. देखो मेरा भोपाल का सामान भी आ गया. They are bringing more stuff. That's my tripod, one more box, total 5 boxes. अब बस सामान ही सामान है, रखने को कुछ जगह नहीं है. एसी और फ्रिज फिट करने के लिए टेक्नीशियंस आर फाइनली हियर. इस रूम में एक एसी लगेगा, हॉल में एक एसी लगेगा. प्रोसेस स्टार्टेड, वहाँ लगेगा हमारा पहला एसी. ठीक है, अभी पहला एसी उन्होंने खोल भी दिया है. दे ऑल्सो टुक अ वीडियो ऑफ इट, दैट्स गुड. एसी लिया तो लिया, साथ में ये खर्चे भी होते लगाने के, कॉपर पाइप, ड्रेन पाइप, स्टैंड, रैपिंग टेप, WR. They are asking 4,550 rupees for the hall and this is for the bedroom. Total is gonna cost me 9,500 rupees more, guys, just to install the AC ghar pe. Just look at the amount of mess. ये सब मुझे ही clean करना है. अभी AC का ये वाला part लग चुका है जो indoor unit है. And outer unit के लिए connection ना builder ने already ऐसे holes बना के दिए, but उसने इस तरफ नहीं बनाया because this is the front part of the society. तो वो चाहते हैं कि यहाँ पे सब सुंदर सुंदर लगे, सब अगली part घर के अंदर. This looks so ugly. किचन में भी AC लगना शुरू हो चुका है. This is the window, this is my AC. ये जो pipes जा रही है ना, I swear it's really bothering me. They are gonna look ugly AF. क्या करूँ मैं, क्या करूँ मैं इन पाइप्स का. सुबह से सिर्फ नाश्ता किया मैंने, इसी काम में लगी हुई हूँ. खाना भी नहीं खाया मैंने, बहुत टाइम लग गया. एक ब्रांडेड कंटेंट भी फिल्म करना था मुझे, वो भी नहीं फिल्म कर पाई. अभी और काफ़ी सारा काम बचा हुआ है. फ्रिज हमारा लग चुका है. झाड़ू लगा लगा के तो मरी गई मैं सही में. ये स्टिकर्स वगैरह ऐसे स्टिकर्स वगैरह निकालने को बोले तो वो मैं निकाल रही हूँ. इसके मस्त कूलिंग हो रही है फ्रिज में. चलो अब सामान रखा जाए इसके अंदर. दीज आर सम थिंग्स जो कि ठंडा होना चाहते हैं तो ये मैं फ्रिज में रख देती हूँ. पैकेट में से बर्तन मैंने निकाल दिए. ये सब वो हैं जो घर से मैंने मंगवाया था, इन्हें धो भी दिया मैंने अच्छे से. अब मैं इन्हें अरेंज करना शुरू करूंगी इन सब में. 3 days later. Look what came in my mail today. This was sent by Pallavi Di. कितने अच्छे अच्छे मैट्स भेजे हैं, मेरे पास थे भी नहीं. सो थैंक यू Pallavi Di फॉर दिस. एंड शी ऑल्सो सेंड मी दीज फ्रेम्स. पता नहीं कहाँ यूज़ करूँगी, अभी तो कुछ डिसाइड नहीं किया मैंने, बट कुछ ऐसे दिखेंगे ये फ्रेम लगाने के बाद. अभी मैं जा रही हूँ बाहर मिरर की शॉपिंग करने के लिए. दोनों बातों में मिरर नहीं है तो मुझे मिरर चाहिए. उसके बाद मैं जाऊँगी मॉल थोड़ी बहुत ऐसी बर्थडे शॉपिंग के लिए. देखते क्या पसंद आता है, कुछ पसंद आता है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं. नाउ आई रिग्रेट नॉट वेयरिंग माई शूज क्योंकि ये तो अभी से गंदे हो गए. आई हैड टू बाई अ बिग छाता क्योंकि छोटा छाता जो है ना वो मुंबई के मानसून में नहीं चलता. I can carry it like this. I came for mirror shopping now. This one I like. He's saying 3,200 for this. में अलग अलग frames भी हो जाएंगे. ये वाला जो frame है ना, that he's saying 2,700. उसमें crystals लगे हुए हैं ऐसे वाले. And this one, a frosted वाला, he's saying 2,500. But ये सब design मुझे नहीं चाहिए. I came to Zara. Sunday को ऐसा लगा loot मची यहाँ पे. कुछ भी कैसे भी कपड़े पड़े हुए हैं guys. Look at that. They have not even organized anything. अब क्या ही करेंगे ऑर्गेनाइज करके, इतने सारे लोग हैं कैसे मैनेज करेंगे. Look at there. वो देखो क्या हो रहा है वहाँ पे, क्या हो रहा है वहाँ पे. आई मेट अ सब्सक्राइबर दीक्षा, दीक्षा मुझे मेरी आवाज़ पहचान गई. मैं कपड़ों से बातें कर रही थी. ये क्या है, इज दिस अ ड्रेस, इज दिस अ टॉप, व्हाट इज दिस. मैं बहुत सारे कपड़े लेके खड़ी हूँ यहाँ पे. वी आर जस्ट शॉपिंग, इट्स सो क्राउडेड टुडे. संडे मुझे आदत नहीं है बट आपको जरूर याद होगी. शी इज आल्सो न्यू टू द सिटी गाइस, 3 महीने हुए उनको. सो वी वर रिलेटिंग ऑन दैट, यार आप भी नए हो मैं भी नई हूं. कॉमन थिंग इज वी आर भोपाली. हां वी आर भोपाली. मैंने ज़ारा से शॉपिंग की. लंबी लाइन लगी थी चेंज के लिए, ट्रायल के लिए. मैंने बोला ना हो पाएगा मुझसे, तो मैंने सब कुछ ले लिया. घर जाके ट्राई करूंगी एंड देन आई विल रिटर्न व्हाटएवर आई डोंट लाइक. मैं भी मिस्टर DIY आई हुई हूँ. यहाँ पे मुझे थोड़ा बहुत किचन का सामान लेना है, जैसे मैट हो गया और ग्लासेस नहीं है मेरे पास घर पे. सो ये वाला मिरर मुझे काफ़ी पसंद आ रहा है. दिस इज गोना कॉस्ट मी 900 रुपीज़.
साइज भी अच्छा है एक बाथरूम के लिए, तो मैं ये ले लेती हूँ। दीज आर द ग्लासेस दैट आई एम लाइकिंग। निकल जा निकल जा। अच्छे यार क्यूट है ये, प्यारे से। इतने का पड़ेगा मुझे ये। अभी मैट्स की प्राइसेस अच्छे हैं यार, मैंने ऑनलाइन भी चेक किए थे, इसी सिमिलर प्राइस में मिल रहे हैं। एटलीस्ट आई कैन फील दिस, और अभी मेरे पास मैट हो जाएगा, वरना मैं पोछा कपड़ा यूज कर रही हूँ मैट के लिए। The next day. 12:30 बज रहे हैं, कारपेंटर आ चुका है टू फिक्स वो जो मैसअप हुआ है ना, वो जो हॉल एरिया है उसका भी काम चालू है। सुप्रिया भी अभी आ रही है, सो हैप्पी दैट फाइनली शी इज कमिंग। ठीक है, और आज गैस भी आ गया, और मुझे गैस का प्राइस पड़ा 4,500 रुपए लग रहे हैं। गैस सिलेंडर 4,000, रेगुलेटर जो मेरे पास नहीं है 500 रुपए। तो मैं रो दी, पता है मैं लिटरली रो दी उसको पैसे देने के बाद, कि भगवान इतना महंगा क्यों है सब कुछ। एंड आई वाज क्राइंग। आई मीन या एक्सपेंसिव तो है लिविंग इन मुंबई। कारपेंटरी का काम आप लोग देख सकते हो कर रहे हैं उन लोग, टू कवर दिस यहाँ का हो चुका है, अंडर बेडरूम का कर रहे हैं। इट वाज लुकिंग सो अगली, अभी थोड़ा बेटर लग रहा है। इसको बाद में मैं पेंट भी करवा सकती हूँ, वही मैं करूँगी, इसलिए मैंने ऊपर से प्लाई नहीं लगाया है। कॉस्टेड मी 7,000 रुपीज़ टू कवर दीज अगली वायर्स। देखो गाइस सुप्रिया फाइनली आई है। थैंक यू फॉर कमिंग। अब साथ में बैठ के रहेंगे, दुख क्यों खत्म नहीं होता। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। लुक आई गॉट अ हेयर कट, ये मेरे ग्लो अप वीडियो में आएगा, मेरा बर्थडे ग्लो अप। अभी मैं स्मार्ट बाजार में हूँ, गेटिंग सम थिंग्स घर के लिए, इतनी छोटी मोटी चीजें। अभी तो मैंने दो चीजें डाली है, ब्रश एंड हाजमोला। खाना हजम नहीं हो रहा मुझे यहाँ का, क्योंकि बाहर का खा रही हूँ ना मैं काफी टाइम से। सुना है आपके भाव बढ़ गए। गाइस मैं सामान लेके घर आ गई, सामान के साथ साथ कोई और भी आया है। टडा, बन गया दिया सुन कौन। और 10 seconds later बिचारी को थोड़ी सी लग गई, पर शी इज फाइन। गाइस मीट रिया थॉमस। आप यहाँ पे क्यों आई हैं, घर देखने के लिए आई हैं, कोई और रीजन है? कुछ स्पेशल ग्लो मेरे बर्थडे के लिए आई है। सो हैप्पी हॉल टाइम। आई गॉट सो मेनी थिंग्स गाइस। कल हम लोग लोनावला जा रहे थे, उसके लिए थोड़े से स्नैक्स लेके आई मैं। आई हैव नेवर बीन टू लोनावला, टू गई लोनावला। मुझे ना वो इमली वाले शॉर्ट्स काफी अच्छे लगते हैं, तो ये पता नहीं पॉमीग्रेनेट वाले हैं। As you can see the packaging is very luxurious. Cheers. गटाकट टाइप का टेस्ट है उसका ना। अच्छा है, शॉर्ट फॉर चेंज अच्छा है। मुझे ना मेरे हेयर स्टाइलिस्ट ने बोला कि यू शुड हैव अ ब्रश लाइक दिस टू शो योर लेयर्स, क्योंकि उसने अच्छे से ब्लो ड्राई करके दिया था, अब तो सब उड़ गए ह्यूमिडिटी की वजह से। सो आई वाज लाइक कि ठीक है एक ब्रश में ले लेती हूँ। इट वाज अ इंपल्स परचेज आई फील। और मुझे पैड्स चाहिए था, तो मैंने नोवा के पैड्स भी लिए। एंड पता है क्या, उसने बोला कि मैम आप 50 रुपए की और शॉपिंग कर लो तो मैं आपको शक्कर दूंगा 9 रुपए में। मैं शक्कर लेके आई 9 रुपए में। सम डिफरेंट फ्लेवर योगर्ट्स आई गॉट एंड सम फ्रूट्स, जो कि आप देख नहीं सकते, पर सब फ्रूट्स। 12:00 मिडनाइट माय फ्रेंड्स बॉट मी दिस केक, इट सेज हैप्पी बर्थडे शालू बेटे। मेरे दोस्तों ने मेरे लिए केक लेके आया, मुझे सरप्राइज किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू ग्रुप हग। इतनी साल की हो गई मैं, 18 forever. No, like I've already started my 30s and enjoying it. This is 31 guys. This is what 31 looks like.